असल वालेकुम दोस्तों, मेरे और आपके एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। जो आज की वीडियो होने वाली वो होने वाली रेडमी नोट 11 प्रो के बारे में। ये बहुत ही जल्दी फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इस वीडियो हम बात करने वाले क्या स्पेक्स होने वाले, कितनी प्राइस पाएगा और कब तक आ जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूँ, ये फ़ोन 26 जनवरी को ग्लोबल लॉन्च हो रहा है, क्योंकि जो रियलमी कंपनी भी अपना फ़ोन लॉन्च करने वाली है उसको कॉम्पिटिशन देने के लिए कंपनी ये फ़ोन को ज़रूर उतारेगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन बात करें तो मैं आपको बता दूँ, डिज़ाइन इस तरह होने वाला जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसमें आपको तीन कलर देखने को मिल जाएंगे, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ये तीन कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, डिस्प्ले की बात करें तो मैं आपको दे देता हूं 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले के मामले में आपको कोई भी कंजूसी नहीं की है, और इसमें आपको बता दूं जो प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल जाएगा आपको, स्क्रीन जो ग्लास देखने को मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, आपको बता दूं इसमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे आपको, एक तो 4G वेरिएंट देखने को मिलेगा, दूसरा दो देखने को मिलेगा वे 5G वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। जो 5G वाला वेरिएंट है उसमें आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 690 वाला जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन को भी देखने को मिल जाएगा। जो 4G वाला वेरिएंट है उसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G96 आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसमें रैम देखने को मिलेगी LPDDR4X देखने को मिल जाएगी, और जो UFS 2.2 स्टोर देखने को मिल जाएगी। इस फोन में जो रैम होने वाली है 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, एक और आपको देखने को मिलेगा जो 8 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, आपको ये दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे इसमें। अगर बात करते हैं कैमरे, कैमरे की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसमें तीन कैमरे देखने को मिल जाएंगे। जो प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा वो 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, सैमसंग वाला कैमरा। जो दूसरा मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड वाला। और जो तीसरा मिलेगा आपको वो 2 मेगापिक्सल का मिल जाएगा माइक्रो फोटो लेने के लिए। और सेल्फी की बात करें तो मैं आपको बता दूं 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है आपको। मैं आपको बता दूं जो इसके कैमरे हैं वे डाउनग्रेड किए गए हैं। कैमरा जो 2 मेगापिक्सल का जो माइक्रो वाला फोटो था वे रेडमी नोट 10 में वे आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता था, और इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। कैमरे के मामले में ज़्यादा कुछ बदलाव किया नहीं है, हल्का एक डाउनग्रेड भी कर दिया है। आगे बात करते हैं इसकी बैटरी, बैटरी की बात करें तो मैं आपको बता दूँ 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और 67 वाट का आपको बॉक्स में ही चार्जिंग देखने को मिलेगा, मतलब चार्जिंग में आपको बढ़ोतरी कर दी। पहले 30 वाट का देखने को मिलता था, अब आपको इसमें 67 वाट का चार्जिंग आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर बात करें तो मैं आपको बता दूँ एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा, जो MIUI देखने को मिलेगी 13 वाला वर्जन देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी एंड्रॉयड वर्जन को 12 कर देती तो और भी बढ़िया रहता। और भी फीचर रह गए हैं जो मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, 3.5mm वाला जैक मिल जाएगा, और इसमें साइड में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। अगर कंपनी चाहती तो इसमें स्क्रीन के अंदर भी दे सकती थी, क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइस की, प्राइस की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसकी जो प्राइस होने वाली है 20,000 से नीचे रहने वाली, 20,000 से ऊपर नहीं जाएगी, 20,000 भी हो सकती है। इस फोन में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया है, जो रेडमी नोट 10 प्रो में देखने को मिल जाता वही आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बस तीन चीज़ बदलाव किए हैं, एक तो प्रोसेसर बदल दिया है, चार्जिंग बदल दिया है जो 67 वाट का कर दिया है, और एक आपको इसमें डिज़ाइन बदल दिया है, बस और ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया है कंपनी ने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको वीडियो कैसे लगे। अगर कोई सवाल जवाब है तब भी आप कमेंट करके, और जब जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दबा बेल आइकन दोनों से, जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एजे ज्ञान चैनल ने वीडियो अपलोड की है। मेरा नाम अजरुद्दीन, आप देख रहे हैं एजे ज्ञान।